करनाल में सर्व कर्मचारी संघ भी किसानों के समर्थन में आ गया है। आपको बता दें कि कर्ण पार्क में दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में इकट्ठे होकर शहर भर में रोष मार्च निकाला गया। सरकार से कृषि के क्षेत्र में लाए गए 3 काले कानूनों को तुरंत रद्द करने की मांग भी की गई। इस मौके पर किसान नेताओं ने समाचार एक्सप्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि सर्व कर्मचारी संघ, चाहे उसमें बिजली कर्मचारी संघ हो या अन्य कर्मचारियों से जुड़े हुए संगठन, सभी इकट्ठे होकर पूरे प्रदेश में रोष मार्च निकाल रहे हैं। इसी कड़ी में आज करनाल के कर्ण स्टेडियम में इकट्ठे होकर शहर भर में रोष मार्च निकाला गया है। साथ ही सरकार विरोधी नारेबाजी भी की गई। उन्होंने कहा कि सरकार को मजबूर होकर किसानों के खिलाफ जो काले कानून लाए गए हैं उनको रद्द करना ही होगा, अन्यथा पूरे देश के संगठन, कर्मचारी संगठन, खाप पंचायतें एवं अन्य सामाजिक संगठन एक बैनर के तले आकर सरकार का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारी संघ द्वारा निर्णय लिया गया कि दिल्ली में जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनको खाने पीने, रहने, टॉयलेट वगैरह की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी, जिसको सर्व कर्मचारी संघ के कार्यकर्ता करेंगे। आज के रोष प्रदर्शन में अध्यापक संघ, बिजली कर्मचारी संगठन, नगर पालिका कर्मचारी संगठन के साथ साथ कर्मचारियों से जुड़े अन्य दल के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। नमस्कार, करनाल में हम मौजूद हैं। किसानों का प्रदर्शन का आज लगभग 8वां दिन है और ना किसान अपनी जगह से हट रहे हैं, ना सरकार कोई उनकी बात को सुनवाई कर रही है। हाँ, हालांकि आज वार्ता होनी है उनके बीच में, तो वो बात की बात है, देखना होगा कि क्या कुछ रहेगा। फिलहाल यहाँ पे सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के कार्यकर्ता है जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों के समर्थन में। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे। सर, क्या क्यों इकट्ठा हुए हैं ये बताइए सबसे पहले, इसकी जानकारी। जो केंद्र सरकार ने ये किसान विरोधी, यानी मैं कहूँगा कि देश विरोधी, ये तीनों जो बिल हैं इनके विरोध में हम सभी इकट्ठे हुए हैं। जो हमारे किसान साथी दिल्ली में गए हुए हैं और उनके ऊपर जो है लगातार उनके साथ वार्ता की जा रही है, लेकिन असफल वार्ता, क्योंकि सरकार जो है इस देश का बर्बाद करने पर तुली हुई है और उसके इस बर्बादी को बचाने के लिए हमारे किसान जो है इस पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं और हम किसानों के साथ हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार नहीं चाहती कि इसका कोई हल होना चाहिए? देखिए, मैं इसको पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित ही मुद्दा कहूँगा। किसान मांग क्या रहा है? किसान मांग रहा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जबकि पूरे हिंदुस्तान के, क्या बल्कि पूरे विश्व के अंदर अगर एक पेंसिल भी लेंगे, एक पेन भी लेंगे, तो उसका पहले ही तय कर दिया गई कीमत की, इसकी कीमत इतनी है। हम किसान पूरे देश से कम कीमत मांग रहे हैं, सरकार उस पर भी अड़ी हुई है। सवाल तो ये होना चाहिए था कि हम मैक्सिमम प्राइस मांगे, अपना हक है हमारा, वो पैदा करते हैं। एक आलू जिसको हम यहाँ मात्र 3 रुपए किलो बेच रहे हैं, उसको एक आलू जिसकी 100 ग्राम वेट है, वजन है, वो 15 रुपए में पापड़ बन के बिक रहे हैं, उसकी कीमत तय हो सकती है, तो हमारे आलू की तय क्यों नहीं हो सकती? दूसरी बात, वही आटा जिस गेहूं को किसान पैदा करता है, जिस चावल को किसान पैदा करता है, उसको खरीद करके वही व्यापारी उसको 3 गुना 4 गुना 5 गुना जाके रेट पर बेच देता है, तो उसको मिनिमम पे क्यों खड़ा किया जा रहा है? यही चीज़ हम चाह रहे हैं कि सरकार इस बात की गारंटी दे दे कि जो चीज़ यहाँ खेत में पैदा की जाएगी उसको उसका तय कीमत जरूर मिलेगी। यही इसके अंदर अड़ंगा है, यही सरकार नहीं चाह रही है। बिल्कुल उसकी गारंटी होनी चाहिए, जब हर चीज़ की, सिर्फ किसान और मजदूर की चीज़ों को छोड़ करके पूरी दुनिया में हर चीज़ की गारंटी है, सिर्फ इस चीज़ को छोड़ा जा रहा है, जानबूझ के छोड़ा जा रहा है, क्योंकि अगर किसान समझ गया कि उसकी पैदावार की कीमत पूरी मिल रही है तो राजनीति बंद हो जाएगी। यही एक एजेंडा है जो सरकार जानबूझ करके मजदूर को और किसानों को दबाना चाहती है और इसको खत्म करना चाहती है। सरकार तो कह रही है कि कानून में कोई भी गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है। अगर सरकार ऐसा कहती है तो वो खुल के आए क्यों नहीं बात करना चाहती? पूरे दिल्ली के अंदर पूरे देश के किसान इकट्ठे हो रहे हैं, समझा क्यों नहीं पाती है वो? जब उनसे बात करें, वो भ्रम क्यों, शब्द वो भ्रम क्यों लगा रही है उसके बीच में? वो दिखाए कि हाँ ये क्लियर है, दे दे एक चीज़, वो अगर वो बिल्कुल साफ सुथरा, मैं स्वीकार करता हूँ इस बात का, चलो सरकार कह रही है बिल्कुल साफ सुथरा है, तो दे दे गारंटी वो कि हम गारंटी दे रहे हैं इसकी आपको कीमत मिलेगी। क्या दिक्कत है, सरकार किस बात से डर रही है इसमें? सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की केंद्रीय कमेटी ने एक निर्णय लिया मीटिंग करके कि जो किसान आंदोलन है ये मुद्दों का आंदोलन है,
ये खेत का आंदोलन है, ये देश को जल जंगल जमीन खेती बचाने का आंदोलन है। तो सर्व कर्मचारी संघ के निर्णय के अनुसार पूरे प्रदेश में आज प्रदेश भर के तमाम विभागों के कर्मचारी किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ये आज का मुद्दा सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश का वो कर्मचारियों का संगठन है जो किसी भी प्रकार का अगर गलत आचरण सरकार करती है किसी भी वर्ग पर, उसका खुल के सरकार का विरोध करना और उस शोषण का हो रहे शिकारों के लोगों के समर्थन में आंदोलन करना सर्व कर्मचारी संघ का पहला काम है। और ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं ये देश के निर्माता हैं। कोई भी अनाज फैक्ट्री में पैदा नहीं हो सकता, केवल किसान पैदा करता है। और जो चीज़ें किसान पैदा करता है उसके घर में आज तक खुशहाली नहीं हुई है, जबकि किसान का प्रोडक्ट जो लोग बेचते हैं उसके घर में खुशहाली है। ये एक सरकार के लिए चिंता का विषय है। आज जब किसान इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि जो तीन अध्यादेश सरकार लेके आई है ये तीनों अध्यादेश किसान विरोधी हैं और सरकार जानबूझ के इसको जो ना राजनीतिक मंच दे रही है कि ये तो किसी राजनीतिक पार्टी के बहकावे में लोग आ रहे हैं। इसी राजनीतिक पार्टी के बहकावे में कुछ लोग आ सकते हैं, चंद लोग आए जा सकते हैं, लेकिन वहाँ तो हजूम जम गया है हर प्रकार का, चाहे वो किसान है, कर्मचारी है, मजदूर है, वो सामाजिक संगठन है, यहाँ तक कि हरियाणा की खापे भी हैं, जिसने भी उसने भी मतलब किसान के आंदोलन का खुला समर्थन किया है। और सरकार को ये मतलब चैलेंज भी है कि यदि सरकार ने ये किसान आंदोलन को दबाने का जो प्रयास किया है ना, तो देश में एकदम से विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाएगी। आज ऐसा महसूस होता है कि हर व्यक्ति हर समाज आज किसान के साथ खड़ा है। यदि किसान के साथ खड़ा है तो फिर सरकार कहाँ खड़ी है, सरकार किसकी है, किसके लिए काम कर रही है, ये समझ में नहीं आता। सरकार से तीन चीज़ें मांग रही हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी का खात्मा ना हो, और दूसरा जो तीनों अध्यादेशों के ऊपर, मतलब सरकार लिख के क्यों नहीं दे रही। आज तक MSP के ऊपर कोई रिटर्न कानून नहीं था, MSP लागू होता रहा, लोगों को ये ध्यान ही में नहीं आया कि इसके लिए कानून बनना चाहिए। और जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सरकार लागू करने का जो एजेंडा लेके आई थी उसको तो भूल गई। सरकार का काम है कि कहीं किसान स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ना लागू करने के लिए आंदोलन कर दे, इसलिए उसके ऊपर ऐसे पहले से कानून बना दो कि वो केवल उन कानूनों को रद्द कराने के लिए खड़ी हो जाए, स्वामीनाथन आयोग को कतई तौर पर भूल जाए। हमारा सर्व कर्मचारी संघ सहयोग और समर्थन, सर्व कर्मचारी संघ ने अपनी मीटिंग करके ये तय किया है जो पानी के डिपार्टमेंट थे कि कहीं भी यदि किसानों को पानी की दिक्कत होती है तो वहाँ हम पानी पिलाएंगे, पानी की सप्लाई पहुँचाएंगे। जो सीवर की दिक्कत है, कहीं टॉयलेट की दिक्कत है, तो हमने ये भी फैसला किया है कि हमने टॉयलेट बनवा के हम वहाँ टॉयलेट की सुविधा कर्मचारियों को देंगे। हमने मेडिकल कैंप लगाने का काम किया है अपने कर्मचारियों को भेज के कि वहाँ मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। बिजली की व्यवस्था की जरूरत पड़ी तो बिजली की व्यवस्था की भी हम वहाँ कर रहे हैं। हमने इवन के यहाँ तक भी खाना बनाने में जहाँ दिक्कत आ रही थी, हमारी मिड डे मील की महिलाओं को कहा है कि आप जाइए और खाना बनाइए। मतलब हमने हर प्रकार का सहयोग, चाहे वो सफाई का है, पानी का है, सीवर का है, बिजली का है, शौचालय का जो व्यवस्था है, आर्थिक सहायता की जो बात है, आर्थिक सहायता के तौर पे भी नाज अनाज मसाले और सारी हर प्रकार की सहायता हम जितनी भी मैक्सिमम हो सकती है हम इस किसान आंदोलन में देंगे और डंके की चोट पे देंगे। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि 65% किसान यदि बर्बाद हो गया तो समझ लो देश बर्बाद हो गया, हम देश को बर्बाद नहीं होने दे सकते। सर आप क्या कहेंगे? मेरा कहना यह है कि आज जो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कमेटी ने जो निर्णय लिया वो एक सोचा समझे नीति के तहत निर्णय लिया, क्योंकि 1965 में जब नारा आया था जय जवान जय किसान, उससे पहले जो देश के हालात थे, विदेशों से अनाज आता था, सड़क गड़ा अनाज आता था और लोग देश की जनता उनको खाने को मजबूर थी। लेकिन जब ये नारा आया जय जवान जय किसान का, उसके बाद खेती की तरफ ध्यान गया, खेतों खेतों तक बिजली पहुँचाई गई और अन्न का उत्पादन बढ़ा। आज कोई भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री एक मिनट में बोल देता है कि हमारे देश के अंदर अगर एक साल तक भी अनाज नहीं आया तो हमारे भंडार भरे पड़े हैं, तो वो भंडार इन किसानों ने ही भरे हैं। और आज वही किसान सड़कों पर सर्दी के मौसम में जो किसान वहाँ बैठे हैं, और सरकार बार बार एक ही बात कह रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, कृषि मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कि हम इसकी गारंटी दे रहे हैं, हमारा विश्वास करो, गारंटी दे रहे हैं, हमारा विश्वास करो। हमारा कहना है हम आपका विश्वास कैसे करें, आपने तो मतलब काला धन आने की भी बात कही थी वो नहीं आया, 15-15 लाख रुपये खाते में आने की बात कही थी वो नहीं आए, 2 करोड़ रोजगार केंद्र के अंदर देने की बात कही थी
2 लाख रोजगार हरियाणा के अंदर देने की बात कही थी और शपथ पत्र जिसको कहते थे, जब वो काम नहीं किया तो उनका मौखिक मतलब किसान विश्वास कैसे कर लें। तो हमारा जो आज का प्रोग्राम है उनके समर्थन में आज उनकी बातचीत है और हम सरकार से मांग करते हैं कि आज इस मामले को किसानों की जो मतलब विचार है उनका, जो उनकी मांग है, उस मांग को लागू करते हुए उस आंदोलन को समाप्त कराए, क्योंकि ठंड का मौसम है और दूर दूर से किसान वहाँ गए हैं, बुजुर्ग हैं और कई किसान जो इस आंदोलन के दौरान मतलब शहीद हो चुके हैं, इस आंदोलन के दौरान उनकी शहीदी कुर्बान बेकार नहीं जानी चाहिए। इन किसानों की बात सुने और इनका जो MSP का जो मेन मुद्दा वो लागू करें और जो जमाखोरी की खुली छूट पूंजीपतियों को दी है कि आप जितना मर्जी अनाज भंडार करो और बाद में महंगे रेट पर मांग बढ़ने पर उनको बेचो, इस डिमांड को जो छूट दिया इसको भी सरकार वापिस ले। आज इसीलिए हम पूरे प्रदेश के अंदर सरक कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदर्शन कर रहा है। करनाल के अंदर आज हम कर्ण पार्क के अंदर इकट्ठे हुए और बाजार के अंदर प्रदर्शन करते हुए इस सरकार की किसान विरोधी नीतियों की पोल खोलते हुए हम जाएंगे। आज स्टेट कमेटी के आह्वान पर यह आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है। आज किसानों की जो बातचीत हो रही है, आज हम चाहते हैं कि इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इन किसानों की मांगों को शांतिपूर्वक ढंग से इसको निपटाए, अन्यथा सर्व कर्मचारी संघ जो है आज इसके किसानों के जो समर्थन में आज उतरा है वो हर तरह से इनके सहयोग करने के लिए जन तन मन धन से हर तरह से किसानों के समर्थन कर रहा है। और उसके बावजूद भी अगर ये बात कहीं असफल होती है तो सर्व कर्मचारी संघ का जितना भी पूरे भारतवर्ष का जितना भी कर्मचारी है सारा का सारा सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगा, जिसका खामियाजा इस केंद्र सरकार को भी भुगतना पड़ेगा और स्टेट सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। तो हम कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि सरकार कहीं ना कहीं इन किसानों के आंदोलन को शांतिपूर्वक ढंग से इनकी बातों को माना जाए। जो इन्होंने 3 अध्यादेश जारी किए हैं, कानून जो पास किए हैं उनको रद्द करने का काम करें, और अगर इन कानूनों को सरकार कहीं अगर लंबा खींचती है या लागू करती है तो पूरे प्रदेश का यानी कि पूरे भारतवर्ष का जनता जो है सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगी। तो ये थे सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के कार्यकर्ता थे। इन्होंने कहा कि ये किसानों के समर्थन में पूरी तरह से लगे हुए हैं। जब तक जैसे कि किसानों का कहना है कि MSP उन्हें लिखित में चाहिए, इनका भी यही कहना है कि जो किसान चाहते हैं कि MSP लिखित में हो वो उनको लिखित में मिल जाए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं, ये सभी लोग किसानों को समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं। कैमरामैन सनी चौधरी के साथ मैं प्रीतिका दया, नमस्कार। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.